चीफ मिनिस्टर बनने के बाद वहाँ गया, मोरनी हिल में थे ये जी, वहाँ मैं दूर से देखा, वहाँ पुलिस वाले जाली नहीं दे रहे थे, तो वहाँ जाली से देख के उन मेरे को कहा इनको आने दो। अच्छा, अंदर से ही देख के? अंदर से आवाज दी पुलिस वाले को, मुख्तार नाई को अंदर आने दो। वहाँ बुलाया, मैं पैरों को हाथ लगाया मैंने, माँ जी नौकरी नौकरी नहीं ले, नौकरी क्या, नौकरी लगाने वाला ही लगाऊंगा तेरे को। तो छोटा साहब ने कहा, देवीलाल जी, देवीलाल जी वहाँ अच्छा जी। और शाम को उन्होंने मेरे को दो तीन पद दिए, उसी दिन आनंद अंगी को भी चेयरमैन बनाया था। अच्छा, हाँ उसी दिन चेयरमैन बनाया था। उसके बाद आते रहे, वो चीफ मिनिस्टर हो चाहे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हो। एक बार की बात है, एक एक्शन होता था, ये बंसीलाल ने नई नहर बनवाई थी, सुंदरबांस नहीं या दूसरी थी, एक या ये चौड़ी नहर और बनाई इसके साथ में। तो वहाँ मेरे पास एक्शन SDO बैठा करते, नहर खुदवा करते, बंसीलाल की सरकार थी। अच्छा, तो देवलाल बैठ जा रहे, वो दूसरी साइड में चाय पीते, वो देख क्या करते, ये बुढ़ा कौन है, कि है ये चौधरी देवलाल, वो इग्नोर किया करते। चीफ मिनिस्टर बनते वो मेरे पास आया, ठुकराल नाम का था एक्शन, बोले यार मुख्तार मेरा तबादला कर दिया, वहाँ दूर कर दिया कहीं, दूर कर दिया उसमें भाखड़ा डांगल पर, डैम पर इरीगेशन का था, तबादला करा लो। मैंने भी गाड़ी ले ली थी उन दिन। अच्छा, वो आगे तीन चार आदमी, मैं दिल्ली गया, अब तो गाड़ी आ गई थी, गाड़ी ले ली मैंने उसी टाइम। अच्छा, अपनी गाड़ी ले ली थी, और उधर और आगे ही बताऊंगा। तो मैं गाड़ी लेके उसका तबादला कराने के लिए दिल्ली गया। अच्छा, वो साहब बैठे थे, एक्शन था, SDO था, एक और जी मेरी गाड़ी अपनी थी, और रुकते ही पता चला भाई CM साहब तो इशार जा रहे हैं। अच्छा, दिल्ली पहुंचे आप? हम दिल्ली हरियाणा भवन में ऊपर चढ़ने के पेड़ियों में से ऊपर क्रॉस का सेकंड फ्लोर पर CM हाउस, CM सूट है जी। तो वहाँ मिलने के लिए मैंने पहले वहाँ था, मैं नमस्ते बोला, हाँ आ गया, वहाँ आ गया, लोग आने लगे काम के लिए, माँ आने लगे, बोला तो उधर होगी माँ होगी, बोला ठीक है, बोला कैसे आया था, मुझे काम था, बोला जाखो बहादुर के गाड़ी में बैठा लिया। तो अफसर वहीं देखते रह गए, और ठुकराल और SP उनके नाम मेरे ध्यान नहीं, वो से भाई फेसर रोजाना दुकान में बैठते थे उस टाइम, तो आपकी हाजिरी मारने लग गई होंगी सर। ना ना हाजिरी नहीं, वो से वो तो पहले हिस्सा दिया करते वहाँ, और दुकान नहीं। अच्छा अच्छा, तो कहने लगे बोला तो मैं बोला चलो, मेरे को तो एयरपोर्ट पर ले गए गाड़ी, जहाज में बैठा के हिसार लिया। अच्छा, वो मेरे साथ ओड़े वहाँ, गाड़ी आपकी उड़ी वहाँ, गाड़ी भी हाथ में, चाबी मेरे, गाड़ी भी नहीं ला सकते। अच्छा, तो जहाज उसमें बैठे थे, पांच सात आदमियों का वो हेलीकॉप्टर था, पता नहीं जहाज, मैंने तो कभी देखा नहीं था। मैं बोला जी मैं तो काम आया था, एक सिगरेट की डिब्बी होती थी कमांडर की हरी, और वही फ्लोर से खाली होती ऊपर होती थी, वो ग्रीन उसके ऊपर मैंने उसका नाम और एड्रेस लिख रखा था, मुझे तो बदला हो गया। फिर देवलाल ने पढ़ा, नोला भाई तो सोई टेकराम ने कराया है। अच्छा, ये तो मैं रोक दूंगा, फिर टेकराम से मिल लेना, वो खुश होगा तो रोक देंगे, एक बार तो मैं रोक दूंगा तो आया है, फिर वो उससे बहस कर लेगा भाई मेरे से कोई गलती है या कोई किस तरह मेरे को बदला है। अच्छा अच्छा, मिल लेंगे। हाँ, तो इशार उतर से DC साहब को कहा इनको मुंडाल भेजो। अच्छा, DC साहब की गाड़ी का फ्लैग बंद करके मेरे को मुंडाल छोड़ के गई, और मैं यहाँ से बस में चढ़ के फिर दोबारा दिल्ली गया, वहाँ से गाड़ी ले गया।